हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम योर होस्ट आयुष्मान सिंह और आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। बहुत दिनों बाद ये व्लॉग शूट कर रहे हैं क्योंकि गाइस कैफे में कुछ काम नहीं था यार, मैं कैफे में ही था वैष्णो देवी के व्लॉग से, है ना, और श्राद्ध और नवरात्र की वजह से कुछ काम नहीं था, सो जीरो कंटेंट जीरो। उसके बाद आ जाए घर। आज घर में हमारे कज़िन का, हमारी जो कज़िन है उनका बर्थडे है, तो इसलिए आज का व्लॉग हम शूट कर रहे हैं। घर वालों ने काफ़ी प्रेशर दिया कि व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाओ, तो गाइस अभी हम जा रहे हैं सामान लेने बर्थडे का और केक का ऑर्डर देने, और बाकी आपको दिखाते हैं आज का दिन कैसा जाता है। कल यहाँ इन द सेंस हल्द्वानी और हल्द्वानी के नियर बाई प्लेसेस में जो तूफान आया है उससे आप देख सकते हैं कितना नुकसान हुआ है गाइस फसल का। ये देखिए आप, आज गाइस घर में सुंदरकांड है, तो ये देखिए आलू बूंदी और केला आ चुका है। अब आपको मिलाते हैं बर्थडे गर्ल से, और ये देखिए मुन्नू हाय बोलो। देखिए बर्थडे गर्ल भागती हुई, कह रही है कि नहाने के बाद व्लॉग में लेना। ये देखिए दो नेवले, अब मैं धीरे धीरे स्कूटी आगे ले जाता हूँ। हम आए अपने बड़े भाई साहब के प्लॉट पे जहाँ उनका काम चल रहा है, और ये देखिए आप, ये गाइस जो ये ड्राइंग बनी है अंबुजा सीमेंट वालों ने ड्राइंग बनाई है, इतनी ह्यूज लगती है ये दूर से, मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखिए सुंदरकांड पड़ा जा रहा है अभी। गाइस हमें काम मिला है प्रसाद बांटने का और फल काटने का। हमारे साथ इस टास्क में है बड़े भाई साहब निर्मल निगलटिया जी और छोटे भाई साहब नितिन जोशी जी। बेहतरीन काम हो रहा है। देखिए मिलिए बर्थडे गर्ल से ईशु, हाय बोलो। ये देखिए बर्थडे गर्ल का केक, और ये रही बर्थडे गर्ल। मुन्नू केक कैसा है? गाइस मुन्नू पहले मुन्नू ने आते ही बोला वाओ कितना अच्छा केक है, फिर मुन्नू समझ गई कि ये तो दीदी का केक है, तो मुन्नू ने उसको जो है रिजेक्ट कर दिया। ईशु क्या कहेंगे आपने बर्थडे के उपलक्ष पे? कुछ भी नहीं, ऐसे यूजुअल अच्छा दिन है। और गाइस मिली हमारे बड़े भाई साहब से, हमारे ड्रीम 11 के ये वो है गाइड जो बार बार हार जाते हैं ना, वो है गाइस एक दिन ये सीधा करोड़पति। गाइस ये शक्ल आप याद कर लें, लखपति बनने हैं बहुत। देखिए अब आपको मिलाते हैं बर्थडे गर्ल और बर्थडे गर्ल के पेरेंट्स से। देखिए बर्थडे गर्ल की मदर एकदम सेम टू सेम लग रहे हैं आज दोनों, ये फादर, और देखिए गाइस बर्थडे गर्ल की ताई जी, ये भाभियां, और ये बुआ जी, और देखिए गाइस दा है गद्दू के साथ। मुन्नू से आप मिल चुके हैं, और देखिए गाइस मिले ताऊ जी से। ताऊ जी स्माइल, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू डियर इशिता, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखिए बेहतरीन गरम गरम पूड़ी भाभी जी और माता जी हमारी बना रही हैं। जो फैमिली गैदरिंग्स होती हैं गाइस इनकी सबसे अच्छी बात होती है ये खाना, स्वादिष्ट स्वादिष्ट। और ये देखिए बुआ जी केक का आनंद लेती हुई। बाय बुआ जी, बाय बुआ जी, आराम से आइएगा। ओके The next day. Welcome back. आज है 22nd of October. आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे गांव हल्दू पोखरा से। आज यहां पे गाइस ये देखिए जल जीवन मिशन के तहत जो हमारे यहां के सांसद हैं गाइस वो आ रहे हैं ट्यूबवेल के शिलान्यास में, सब उन्हीं का इंतजार कर हमारे चाचा जी के उसमें नेतृत्व में ये कार्य किया जा रहा है, तो हमें भागीदारी देनी थी। आ गए चाचा जी भी आ गए, वो देखिए सारी भीड़ आ चुकी है, अभी दिखाते हैं आपको। देखिए गाइस माननीय सांसद जी अजय भट्ट जी, हमेशा रहेगी आपका, इस उपकार को लोग कभी नहीं भुला पाएंगे। मेरा अल्लाह बता हुआ उन्होंने बता, मैं पूछा लो वी था तो मोहन पाठक के उनको वी छो देखिए कार्य का समापन हो चुका है। मैं आपको गाइस एक बात बताता हूँ, हमारे माननीय सांसद अजय भट्ट जी रक्षा राज्य मंत्री व पर्यटन राज्य मंत्री हैं गाइस पूरे देश के, तो उनपे जिम्मेदारियां बहुत हैं, लेकिन गाइस ये हमारे विधानसभा के लिए हमारे ग्राम के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि केवल हमारे ही ग्राम सभा में वो
इन दो महीनों में 4 से 5 बार आ चुके हैं। केवल हमारे ही ग्राम सभा में उन्होंने 60 करोड़ का निवेश किया है। निवेश तो नहीं, मतलब जो वो है 60 करोड़ का उन्होंने काम किया है। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। इसमें हमारे ताऊजी माननीय बंसल भगत जी विधायक कालाढूंगी विधानसभा और हमारे भाजपा महामंत्री चाचाजी तिलोक निकट्टा जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जो छोटी इकाई का नेता होता है वही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है गाइस उस क्षेत्र के विकास के लिए। बहुत बढ़िया यहाँ पे कालाढूंगी विधानसभा में काम चल रहा है और ऐसे ही उम्मीद करते हैं काम चलता रहे। देखिए जो परियोजना है ये उसका पूरे डिटेल है, आप जैसे देख सकते हैं योजना की लागत गाइस 4,87,00,000 है गाइस। तो गाइस ये जो योजना है ये जल जीवन मिशन के तहत ये योजना है और हमारे ग्राम में अब जो है हमारे ग्राम सभा में 3 से 4 ट्यूबवेल जो है वो हो चुके हैं। जो गाइस भावर है, भावर इन द सेंस जो प्लेन एरिया है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो पानी की होती है, पानी की समस्या सबसे बड़ी दिक्कत मानी जाती है। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री और हमारे सांसद रक्षा एंड पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट जी इसी के लिए गाइस काम कर रहे हैं और हमारे चाचा जी हमारे ताऊ जी सभी इसी के पीछे लगे हैं कि किसी को भी कोई भी समस्या ना हो, जन सेवा का सभी काम कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन, हम हो चुके रेडी ये देखे इशू के साथ। गाइस हम जा रहे हैं गरबा नाइट में, इशू ने हमें बताया कि गरबा नाइट ऑर्गेनाइज करी जा रही है यहीं पास में, तो हम वहीं जा रहे हैं। फिलहाल शूज पहनते हैं और निकलते हैं। वी आर एट द इवेंट। गाइस ये कॉलेज का फेस्ट है लेकिन ये मतलब कुछ स्टूडेंट्स के लिए भी खुला हुआ है। ये देखिए रिसेंटली आई हैव डेवलप्ड अ लव फॉर गोलगप्पास, तो मैं ईशू को भी वही खिला रहा हूँ, अभी पैक कर देंगे एकदम। फिर देखिए और ये देखिए गाइस कॉलेज फेस्ट में एक स्कूल का बच्चा। अंदर जो कार्यक्रम चल रहा है उससे ज्यादा तो हम बाहर इंजॉय कर रहे हैं खा पी के। बताइए यस गाइस अच्छा है, हल्द्वानी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है इंतज़ाम, लेकिन जो सिंगर्स आए हुए हैं नॉट वर्थ इट। इंडिया जीत चुकी है फाइनली 2019 का बदला ले लिया गाइस, बदला जिसे बोलते हैं ना, बदला समझते हो ना, बदला मजा आ गया एकदम। आज का दिन काफी बढ़िया रहा गाइस, सुबह सिनेमाश में मौजूद रहे, अभी गरबा खेल के आए और आते ही इंडिया जीत चुके हैं। देखिए पिताजी और माताजी बैठे हुए हैं, मम्मी खाना खा रही है। अभी टाइम हो रहा गाइस 12:25 और फाइनली अब जा रहे हैं सोने। जब घर आ गए थे तो उसके बाद इंडिया को जीतते हुए देखा, उसके बाद कुछ काम आ गए थे अचानक वो कर रहे थे, बाकी अब बस सोने जा रहे हैं। फाइनली अब व्लॉग्स आने लग गए हैं गाइस, आई एम रियली सॉरी जो भी वो आया डिफरेंस आया, मतलब डिफरेंस तो क्या, जो भी लेट हुए हैं व्लॉग्स। आप लोग बहुत मैसेज कर रहे थे कि व्लॉग्स का हैं, व्लॉग्स हैं, अच्छा लगता है गाइस, यू गाइस कीप मी गोइंग है ना। तो फिलहाल सोते हैं, व्लॉग करते हैं एडिट, व्लॉग करते हैं पोस्ट और मिलते हैं आपसे एक नए दिन एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। थैंक यू, बाय।